हेलो एवरीवन। 2 दिन पहले एमएक्स प्लेयर पर एक नया ड्रामा रिलीज हुआ जिसका नाम है लवर और स्ट्रेंजर। ये आपको हिंदी डब में देखने को मिलेगा और इसमें आपको टोटल 29 एपिसोड देखने को मिलेंगे जिनकी लेंथ आपको 45 मिनट के अराउंड रखकर प्रेजेंट की गई है। ये एक रोमांटिक थ्रिलर और सस्पेंस ड्रामा है। इसे IMDb पर 8.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। अब बात करते हैं इसकी कहानी की। तो इसकी कहानी फॉलो करती है लुओ शियांग के कैरेक्टर को, जो एक वायलिनिस्ट है और बहुत ही फेमस है, और एक बड़ी कंपनी के सीईओ यूजे के साथ उसकी एंगेजमेंट हो जाती है। मगर शादी के कुछ टाइम पहले ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वो अपनी याददाश्त भूल जाती है, और अपनी याददाश्त को वापस पाने की कोशिश में उसे कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जो यूजे जानबूझकर उससे छुपा रहा था। और उसके बाद में लुओ शियांग अपने पास्ट और अपने एक्सीडेंट के पीछे की सच्चाई को जानने में लग जाती है, जिसमें कि उसके कुछ लोग मदद भी करते हैं। तो आखिर सच्चाई क्या है और क्या वो उनका सामना कर पाएगी, बस यही सब कुछ जानने के लिए आपको इस सीरीज को एंड तक देखना होगा। बात करें डबिंग की, तो डबिंग कुछ खास नहीं है मगर देखने लायक है। कहानी की पेसिंग बहुत ज्यादा स्लो है और कुछ एपिसोड्स के बाद ये कहीं कहीं बोर करने लगती है, मगर कहानी के ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको कहानी से हुक करके रखते हैं। कहानी की एंडिंग पर्सनली मुझे सेटिस्फाइंग नहीं लगी। कैरेक्टर डेवलपमेंट भी ठीक ठाक ही है, लेकिन कैरेक्टर्स ने एक्टिंग अच्छी करी है। कुल मिला के जो ऑडियंस रोमांस के साथ में मिस्ट्री और सस्पेंस का एंगल देखना पसंद करते हैं, वो इसे एक बार चेकआउट जरूर मार सकते हैं। मुझे पर्सनली ये सीरीज कुछ खास पसंद नहीं आई। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ किसी और कहानी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।